है फोटो। अबे यार ये क्या, अबे 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 यार ये, ओह फक मैन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो अभी क्या है, काफ़ी दिन से एक भी व्लॉग नहीं आ रही थी, मतलब मोटो व्लॉग नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक मोटो व्लॉग कर लूँ। और अभी क्या है, यहाँ पे आया हुआ मैं, मतलब बोरिंग रोड से हम लोग लौट रहे थे, मैं और विपुल साथ में, विपुल भाई साथ में, तो हम लोग यहाँ से लौट रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इधर घूम लेते हैं, क्योंकि इधर का लोकेशन जो है ना काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पता है आप लोगों को, यहाँ पे ज़्यादातर फोटोशूट वगैरह होते रहता है हमेशा, और काफ़ी मज़ेदार लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग भी सोचे कि चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे। सिक्स लाइन की व्लॉग मेरे चैनल पर एक बार आ चुकी है, और फिलहाल के लिए क्या है, मॉर्निंग में मज़ा नहीं आ रहा था, घर पे बैठ के मैं बोर हो रहा था, तो मैं सोचा कि चलता हूँ घूम लेता हूँ। और घर लौटते हुए सोचा मैंने कि यहाँ पे घूमते हुए आप लोगों को भी कुछ दिखा दूँ। और नज़ारा वज़ारा काफ़ी अच्छा है यहाँ का, एकदम हाईवे वाला फील आता है यहाँ पे, बाइक चलाने के बाद। और क्या है गाइस, ये रॉन्ग साइड से दिखा रहा है, ये गलत बात है, रॉन्ग साइड से नहीं आना चाहिए, वो तो बहुत ही गंदी बात है। सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक आध फोटो निकलवा लूँ यहाँ पे रोड के सामने, और अच्छा लगेगा। तो क्या कहते हो विपुल, तुमको मतलब फ़ोटो वोटो यहाँ का लेना है, नहीं लेना? हाँ भाई लेना है ज़रूर। मतलब क्या है विपुल, मतलब कि अभी गांव से कुछ दिन पहले आया है, तो मतलब विपुल को मतलब ऐसा पसंद है, काफ़ी दिन बाद आया विपुल, तो इसको मतलब ऐसा है कि ये विपुल को बहुत बार लाया हूँ, बट इसका कहना है कि मतलब कुछ ये मेरे साथ शेयर करना चाहता है। तो एक आध फोटो पहले तू मेरी निकाल ले, ठीक है, फिर मैं तेरी फ़ोटोज़ निकालूंगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए सोच रहे गाइस। अबे सुनना, मेरी फ़ोटोज़ निकाल दे, उधर इधर क्या देख रहे हो तुम, मेरी फ़ोटोज़ निकाल दे, अच्छा रहेगा ना, एक थंबनेल इसके साथ ले लेंगे, इधर के साथ ले लेंगे। अरे कैमरा खोलेगा तब तो फोटो होगा यार, क्या करते हो। अच्छा ले, मैं भी वाइजर नीचे कर दिया, अब तो ले ले तू, अच्छा रहे। कैसा आ रहा है फोटो? अबे अबे यार ये क्या, अबे 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 विपुल विपुल आजा आजा, बाइक लेके आते हैं। तेरा फोन मेरा लिया है, तेरा फोन लिया उन लोगों ने। अरे जल्दी कर, तेरा फोन उन लोगों ने ले लिया, तुमने क्या किया यार, तुमने कैसे पकड़ रखा था यार, ये कैसे हो सकता है, काफ़ी गलत हुआ यार, चलते हैं उसको फेस करते हैं। रास्ता काफ़ी ज़्यादा बेकार है विपुल भाई, उम्मीद कम लग रहा है उसे पकड़ने का। कौन था तू, नहीं पहचान पाया? नहीं भाई, मुंह बना था, क्या करूँ। ओह फक मैन, कोई रास्ता ही तो नहीं दे रहा है, क्या करूँ, इधर तो जाए। विपुल भाई रियली वेरी सॉरी यार, उन लोगों ने तेरी फोन छीन ली मेरी वजह से भाई, रियली वेरी सॉरी यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुम्हें सीधा जा रहा है बोलो। हाँ नहीं सीधा नहीं है भाई, तो कोई और है, सीधा ही क्या है बोलो, दिखा है तुझे, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा बोलो किधर गए हैं, इधर से तो नहीं गए, इधर से जाते तो दिख जाता भाई, दस वगैरह इधर से नहीं है, इधर नहीं गए हैं बोलो, किधर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया हम लोग के लिए इसको पकड़ना, इधर गए होंगे वो लोग, पता नहीं चल रहा है यार। बाइक तो ऐसे ही थी जैसे पीछे मैंने अभी देखा, मैं बाइक को पहचान जाऊंगा यार विपुल, अब मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग हमसे पकड़ाएंगे, मुझे लग रहा है भाग गए बोलो। मुझे
और तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है कि और भी चांस कम लग रहा है यहाँ देख के। ओह यार मैन, क्या ही कहूँ भाई, कैसे होगा। रुक जा, भाग रहा है, उधर भाग रहा है।
यही मार दूंगा। रोक रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक। चल भाई, बाइक चोरी करते हो अबे। ये कौन है? ये कौन है बे? अबे साले। अरे यार, तू राहुल, तुमने फोन चोरी की? चोरी तू राहुल है ना? हाँ। ये वही है ना जो हमारे साथ मैथ्स ट्यूशन में पढ़ता था 11th क्लास में। लोग यार, मतलब क्या ही बताया विपुल, ये पहले भाई जान निकल गया था, एकदम जान निकाल दिया यार। तुम लोगों ने ऐसा काम तुम लोग करोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। बस तेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। तू ऐसे करेगा, तुम्हें मैं पहचान तक नहीं पा रहा था यार। क्या किया था तुमने? बस प्रैंक किया था यार। साले मारूंगा यहीं पे तुम्हें। ये कोई प्रैंक करने का टाइम होता है? हम लोग वहाँ फोटो शूट कर रहे थे। बता ऐसा क्या किया मैंने, तुमने ऐसा किया? मिल गया ना, आइंदा से सतर्क रहे आप लोग भी, रोड पे फोटो शूट करते वक्त ध्यान रखें, ठीक है? कोई इस तरह से तू मैसेज देना चाहता है क्या? हाँ। ये कोई तरीका हुआ? तू मैसेज और भी तरीके से दे सकता है, हमें इन्फॉर्म करके भी दे सकता था ना यार। अभी पता, इस बंदे को तो मैं नहीं पहचान रहा था, ठीक है? इसे अभी मुझे याद आया कि ये तो राहुल है जो 11th में मेरे साथ मैथ्स क्लास में पढ़ता था। बता विपुल, अभी इसे मैंने पहचाना? बता तेरे से फोन छीन के गया तुझे, इतने बगल से इसने फोन छीन के ले लिया और तुम्हें नहीं पहचाना? नहीं आया, एकदम तेजी से चले गए एकदम। मतलब यार इतना दूर कौन जाता है अमित? ये कोई बात है बताओ यार, प्रैंक कर भाई इतना। और गाइस आप लोग ये बताओ, मतलब अमित ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लग रहा था, और अब इतना करने के बाद बोल रहा है कि प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन क्या मैसेज भी है लोग के लिए कि हाँ, ये सोशल मैसेज है मैं मान रहा हूँ, बट अभी हम लोगों को कैसा लग रहा था? सोशल मैसेज ही था, ऐसा कोई खास हम लोगों का चोरी का रिस्पांस नहीं, क्योंकि साले ऐसे मत बोल चूतिए। मैंने तुझे फोन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कहीं पे भी रोड पे रोक के ये ऐसे सेल्फी निकाल के खींचने लगते हैं। So, इसलिए मैंने सोचा विवेक को सबक सिखाना सही रहेगा, क्या विपुल? अच्छा, मतलब तुम लोगों ने प्लान की थी उसको सबक, उसको तुम दोनों ने प्लान की थी, तुम और राहुल दोनों प्लान? बताओ हमें तो पता नहीं। तेरे को सबक सिखाना भाई, उसको सबक सिखाना था, मेरा मोबाइल तूने लेकर भागा। ये बता, ये तो गलत है विपुल की फोन चोरी की। विपुल मुझे क्या लग रहा है, इसे मैंने नहीं बुलाई ना, इस वजह से इस बंदे ने ऐसे किया? ये कोई बात हुआ अमित भाई? नहीं ऐसा बात नहीं है, अमित अच्छा लड़का है। खैर अभी क्या ना, विवेक जब भी बुलाता थोड़ा सा सपोर्ट में आ जाता हूं। काफी ज्यादा भाई, मतलब क्या बताए, काफी ज्यादा घबराहट हो गई थी हम लोगों को। और मतलब यार ऐसे कोई लेके जाता है, अभी बताओ अगर, मतलब ऐसे ये बाइक जो है इतना ज्यादा तेज भाग रहा था कि पकड़ा ही नहीं रहा था, ठीक है? अब लास्टली पता नहीं कैसे मैंने इन लोगों को रोका, अब लास्टली इसने फेस दिखाया तो काफी, मतलब अभी फेस देखने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिला है। वरना यार अगर कोई और रहता तो क्या होता, आप लोग समझ रहे हो? अभी कोई और रहता तो पहले तो मारपीट करना पड़ता, वो अलग, अभी और कुछ करना पड़ता, केस वेस करता मैं, वो अलग रहता, ठीक है? तो अभी क्या है, इसने तो प्रैंक कर दिया। खास वो नहीं था हम लोगों का, हम लोगों का बस फ्रेंडशिप चिल था। सो आप लोग ऐसा ना करें, ऐसा चिल होता है साले कमीने? ऐसा कोई दोस्त होता है? आप लोग बताओ यार, विवेक को सब्सक्राइब करें, वीडियो हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या ही करूं? विपुल बता भाई, सब्सक्राइब कर दो और कुछ मत करो। ऐसी कोई बात नहीं। और यार ठीक है, मैं अब से ऐसा तो अब क्या, मतलब कभी ऐसा नहीं करूंगा यार कि फोटो वोटो निकालूं। अब मैं तो फोन तो मैं निकालने से रहा, मैं तो फोन निकालूंगा ही नहीं। विपुल क्या बोल रहे हो तुम? आप लोग भी, आप लोग भी फोन नहीं निकालिए, तुम्हारे भाई मेरा पूरा जान निकल गया था यार। मतलब 21-22 हज़ार की फोन अगर कोई आपकी लेके भागे, फोन ही सब कुछ होता है अभी के टाइम पे, तो ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। काफी ज्यादा, मतलब यार क्या बताओ, काफी ज्यादा अजीब लगा। बट अमित क्या है भाई, अमित मैंने तुझे देख लिया ना, तो मुझे लगा कि साला ये कुछ ना कुछ जरूर सोच रखा था। बाइक हल्का हल्का मैं पहचान रहा था, बट लास्टली मैंने देखा कि अच्छा ये बंदा जब बगल में आया मैं तब मुझे लेते छोटे मिट्टी। हम लोग राइड पे निकले थे, बात बात कर रहे थे आप लोगों से, बोरिंग रोड से लौट रहा था मैं और विपुल, मैंने बोला यार ऐसी फोटो ले ले, अमित ने ऐसा कर दिया। मुझे पता नहीं था गाइज ऐसा होने वाला है। तो गाइज अभी क्या करते हैं, ये चूतिया मिल गया है और बगल में पाटलिपुत्र जंक्शन है, यहाँ ला दिया यार तूने, बाइक में पेट्रोल तक नहीं है। तो गाइज अभी क्या करते हैं, इसने बहुत ज्यादा थका दिया है, मतलब क्या बताओ, बहुत ज्यादा यहाँ पेन हो रहा है, मतलब क्या बताए, डर गए थे काफी ज्यादा। नहीं मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता था ना। तो गाइस ऐसा कुछ मैं बोलूंगा, ऐसा प्रैंक प्रैंक ना करे, ये चूतिया प्रैंक बनाया हम लोगों का, ठीक है? हम लोगों को एकदम से पता नहीं था, ठीक है? prank. और सडनली इसने चूतिया ने खुद से, तू सोचा कब ऐसा यार रात में? नहीं बस ऐसे ही तेरे को देखते ही सोच लिया, देखते ही सोच लिया, उधर ही घूम रहा हम लोग को जो फोटो खींच रहे थे। सही बोल रहा है, शायद इसने देख लिया। तू किस साइड था? पहले ही उस साइड था, तेरे बगल वाले पोजीशन था। ओह फक मैन, उधर था। तो गाइस अभी क्या करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इस मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा हम लोगों का प्रैंक, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स थे इसलिए हमने किया। ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं था हमारा करने का। इसने मेरे ऊपर प्रैंक कर दी। सतर्क रहे बीच रोड पे, कहीं पे भी अनजान रोड पे। ये मैसेज मैं भी दूंगा कि आप लोग फोटो वगैरह नहीं ले। चुका है मेरा फोन, जा चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं। विवेक को भी मैंने कई बार मना किया लेकिन ये मानता नहीं है, इसलिए मैंने
सोचा ये करना जरूरी है, सो हम लोगों ने प्रैंक के ही थ्रू किया, लेकिन किया, आप लोग इसे बुरा ना माने, बहुत अच्छी है। साले मेरी तो तूने फाड़ दी, बता के प्रैंक होता है भाई, तूने बिना बताए हुए क्या रियल वाला प्रैंक कर डाला मेरे को। गाड़ी आ रही है, तो रोड पे आ गया, तो अभी क्या करते हैं गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यही पेंट, बाय बाय टाटा, अगले ब्लॉग के साथ मिलते हैं।